सर ये नॉवल ग्रास हॉपर ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड एमपीपीटी फॉर टीवी सिस्टम्स, ये हमारा टॉपिक था। तो ये इसके कंटेंट्स हैं, इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम कुछ एमपीपीटी टेक्निक्स जो ब्रिस्टर पेपर में डिस्कस हुई थी उनका बताएंगे, और उसके बाद पीवी मॉडल को ब्रीफली डिस्कस करके, तो फिर जो बायो इंस्पायर्ड एमपीपीटी टेक्निक्स हैं जिस पे हम फोकस कर रहे हैं उनको देख के, तो फिर उसी में से एक टेक्निक है ग्रास हॉपर ऑप्टिमाइजेशन, उसको बयान करेंगे, और उसके बाद उसको एमपीपीटी सिस्टम्स, यानी एमपीपीटी फॉर पीवी सिस्टम्स, उसके लिए अप्लाई करके उसके जो एडवांटेजेस हैं वो डिस्कस करके, तो फिर जो पेपर में रिजल्ट्स डिस्कस हुए हैं उनको देखेंगे। तो स्टार्ट में पेपर में जो है वो इंट्रोडक्शन के थ्रू ये बताया गया था कि यानी ये बात हम क्लास में भी देखते रहे कि जो पार्शियल शेडिंग फिनोमिना होता है, या वैसे भी जो सोलर इरेडियंस आ रही होती है, टेम्परेचर चेंज होता है, तो कांस्टेंट हमें आउटपुट जो है वो पीवी सिस्टम का नहीं मिलता, और इसका नॉन लीनियर इंट्रिंसिकली ये नॉन लीनियर भी होता है कि हम इसको डायोड के थ्रू शो करते हैं, और डायोड जो है वो नॉन लीनियर भी देता है, तो इसलिए इसका जो कोई यूनिक पॉइंट जो है ना, ऑपरेशन पॉइंट, वो नहीं आता, यानी किसी भी पॉइंट पर ऑपरेट कर सकता है, जो मैक्सिमम पावर है वो किसी एक यूनिक पॉइंट पे होती है। तो उसके लिए हम ड्यूटी साइकिल के थ्रू ब्यूस कन्वर्टर जो है, यानी ब्यूस कन्वर्टर यूज करते हैं, और उसको ड्यूटी साइकिल के थ्रू कंट्रोल करके, तो फिर यानी उस एमपीपीटी पॉइंट को अचीव करने की कोशिश करते हैं, और इस ड्यूटी साइकिल को बेसिकली फाइंड करना जो है ये हमारा कंसर्न है, उसके लिए हम एमपीपीटी कंट्रोलर जो है वो यूज करते हैं ताकि पावर जो है वो इनहेंस हो सके। तो यानी ये जो पीवी कर्व है और आईवी कर्व है, ये जो सोलर का है वो इस तरह होता है, और इसमें एक पॉइंट होता है यूनिक पॉइंट जिसमें हम मैक्सिमम पावर अचीव करते हैं, और उस पे एक वोल्टेज होती है जिसको वीएमपी पे एमपीपी कहते हैं, और करंट को आईएमपीपी कहते हैं, और हम ये पॉइंट जो है वो अचीव करने के लिए ये सारा प्रोसेस करते हैं। तो ये पीवी का एक सर्किट है, और इसमें पीवी का जो आउटपुट है उसको डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर पे फीड किया जा रहा है, उसके थ्रू जो है वो लोड जो है वो उसके आगे कनेक्ट किया गया, और उसका जो ड्यूटी साइकिल है उसको हम, यानी उसको हमने पीडब्ल्यूएम फीड करनी है, तो वो पीडब्ल्यूएम या ड्यूटी साइकिल क्या हो वो हम जो है वो ग्रास हॉपर ऑप्टिमाइजेशन एमपीपीटी एल्गोरिदम के थ्रू फाइंड करेंगे, और इस एल्गोरिदम को जो इनपुट मिलेगा वो वोल्टेज होगी और करंट होगी। तो इससे पहले जो रिसर्च पेपर है उसमें उसने कुछ टेक्निक्स को जिक्र करके, तो उसके मुताबिक बताया था कि जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं उसमें क्या दूसरी टेक्निक से फर्क है, और पिछली टेक्निक्स में क्या डिसएडवांटेज है जिसको हम इस टेक्निक में कवर कर रहे हैं। तो कुछ ऑफलाइन टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम मैथमेटिकल मॉडल को यूज करके, तो फिर उसके थ्रू हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारा एमपीपीटी पॉइंट क्या होना चाहिए, यानी हम जो सिस्टम की मॉडलिंग होती है उसमें हमारे पास ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट आती है, और उसको हम यूज कर लेते हैं, और उसके थ्रू जो मॉडलिंग के थ्रू हम कोई वैल्यू निकाल लेते हैं जो हमारा एमपीपीटी वोल्टेज और करंट हो सकती है, यानी हम जो के कांस्टेंट होता है फ्रैक्शनल ओपन सर्किट मेथड में या फ्रैक्शनल शॉर्ट सर्किट करंट में, उसको यूज कर लेते हैं, और रियल टाइम इसमें एडजस्टमेंट जो है वो हम नहीं लेते। लेकिन अगर कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं इसमें हम रियल पावर, रियल टाइम जो है वो भी इसमें देखना चाहें, तो उसके लिए फिर हम ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट वोल्टेज जो है वो सिस्टम को डिस्कनेक्ट करके तो फिर मैयर करते हैं। अगर सिर्फ डिस्कनेक्ट करके ओपन सर्किट करें तो ओपन सर्किट वोल्टेज मैयर होगी, और अगर शॉर्ट सर्किट करें डिस्कनेक्ट करके तो शॉर्ट सर्किट होगी। तो इस जो ऑफलाइन टेक्निक्स होती हैं इनके डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि इसमें हम एक तो सिस्टम को डिस्कनेक्ट करते हैं, इसलिए पावर लॉस जो है वो उस टाइम के लिए आता है और ये फ्रीक्वेंट हो सकता है। दूसरा ये कि अगर कंडीशंस चेंज हो, पार्शियल शेडिंग आ रही है, या इरेडियंस की वैल्यू फास्टली चेंज कर रही है, तो फिर हम इस टेक्निक्स में हमें एफिशिएंसी बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज होती महसूस होती है। फिर कुछ ऑनलाइन टेक्निक्स होती हैं जैसे परटर्ब एंड ऑब्जर्व मेथड है, या इंक्रीमेंटल कंडक्टेंस है, तो या हिल क्लाइंबिंग जो है वो इसी में शामिल हो जाता है। तो इनमें जो है वो हम डिफरेंशियल चेंज देखते हैं, यानी हम डिफरेंस वगैरह फाइंड करके फिर उसके थ्रू देखते हैं कि जो पिछला स्टेप है उसको रिपीट करना है, या उसके ऑपोजिट स्टेप को हमने यूज करना है। और ये तीनों टेक्निक्स में मेथड जो है डिफरेंशियल चेंज का ही होता है, लेकिन बस हम जो आउटपुट डायरेक्टली चेंज गेट कर रहे हैं वो हिल क्लाइंबिंग में ड्यूटी साइकिल होता है, और बाकी परटर्ब और ऑब्जर्व में हम वोल्टेज के थ्रू कंट्रोल करते हैं, और इंक्रीमेंटल कंडक्टेंस में हम करंट के थ्रू करते हैं। इसका भी डिसएडवांटेज यही कि अगर ग्लोबल मैक्सिमा यानी एक से ज्यादा पीक्स आ जाए, पार्शियल शेडिंग सिचुएशंस हो, तो फिर वो इसमें जो है वो डिजायर ऑसिलेशन भी आती है, और डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता डिफरेंट पीक्स के अंदर के कौन सी मैक्सिमम पीक है और ग्लोबल मैक्सिमा किस में,
और एक क्लस्टर हेड मैक्सिमा जो है ये कॉम्प्लेक्स पार्शियल शेडिंग जो है उसमें आता, तो इसमें ये जो है वो इसकी एफिशिएंसी काफी डिक्रीज हो जाती है। फिर कुछ एआई बेस्ड एमपीपीटी टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम न्यूरल नेटवर्क और फिजियोलॉजिक वगैरह को यूज करके फाइंड करते हैं, और इसमें डिसएडवांटेज ये होता है कि हमें बहुत ज्यादा पहले इनपुट डेटा सेट बनाना पड़ता है, यानी हम बहुत सारे केसेस जो है वो लेके तो उनके थ्रू फिर हम प्रिडिक्ट करेंगे कि हमारा एमपीपीटी क्या होना चाहिए, तो उसके लिए कॉस्टली भी ये कॉस्टली हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। तो उसके लिए फिर हम बायो इंस्पायर्ड जो एल्गोरिथम्स हैं उनकी तरफ जाते हैं, उनमें से पीएसओ है, पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन है, बी कॉलोनी है, आर्टिफिशियल बी कॉलोनी, सिमिलरिटी एनीलिंग है, कुकू सर्च है, और इसी तरह एंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन है, ड्रैगनफ्लाई ऑप्टिमाइजेशन है। तो ये सब के सब जो है इसमें हम पॉपुलेशन साइज और नंबर ऑफ आइटरेटिव मेथड के थ्रू बेसिकली नंबर ऑफ आइटरेशन वगैरह करके तो फाइंड करते हैं, और इसमें बेसिकली होता है कि डिफरेंट जो बायो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो यानी रियल लाइफ में ऑप्टिमाइजेशन के मैकेनिज्म्स होते हैं उनको यूज करके हम वो एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, और उसके थ्रू हम अपने फंक्शन को मैक्सिमाइज यानी मैक्सिमम पावर को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इस इन टेक्निक्स के जो बेनिफिट्स होते हैं वो रोबस्टनेस होती है, कन्वर्जेंस टाइम जो है वो इसका फास्ट होता है, और रैंडम लीस्ट रैंडम ऑसिलेशन होती है, और ये ग्लोबल मैक्सिमा को भी डिटेक्ट कर लेते हैं, यानी चूंकि हम इसमें रैंडमली जनरेट करते हैं और सर्च स्पेस हम जो है वो यूज करते हैं कि कौन सी मुख्तलिफ सर्च स्पेसेस लेके, तो उसमें फिर हम फाइंड करते हैं अपने पॉइंट को, और मुख्तलिफ पार्टिकल्स होते हैं जो ग्रुप्स बना के किसी ना यानी एक ग्रुप जो है वो एक एरिया में देखेगा दूसरा दूसरे एरिया में, इस तरह हम फाइंड करेंगे, तो इस तरह वो लोकल मैक्सिमा का ट्रैप जो है वो उसको कवर करके तो ग्लोबल मैक्सिमा भी डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इसमें जो इसी में से एक मेथड है जो ग्रास हॉपर है, तो उसमें हम जो डिसएडवांटेज जो पीछे में उसको कवर करते हैं वो डिसएडवांटेज ये है कि प्रोबेबिलिस्टिक नेचर की वजह से जो सर्च पेज है ना उसमें अनडिजायर आउटपुट्स भी बाजूकार आ जाते हैं, यानी हम जब रैंडमली जनरेट करते हैं तो ये भी हो सकता है कि हम जिस जगह पहुंचना है उस जगह की बजाय किसी और जगह सर्च जो है वो ज्यादा देर तक करते हैं, और इस वजह से हम कन्वर्जेंस टाइम जो है हमारा इंक्रीज हो जाए, और इसमें अगर पॉपुलेशन हम स्मॉल लेंगे तो ये हो सकता है कि हम कन्वर्ट जो है वो जल्दी ना कर सके। तो फिर उसके लिए हम इसी टेक्निक्स में से यानी जो बायो इंस्पायर्ड है उसी में से ग्रास ऑफ ऑप्टिमाइजेशन है, इसमें हम इन चीजों को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें पहली बात तो ये कि सिंपल इंप्लीमेंटेशन होती है, और सिर्फ फ्यू पैरामीटर्स के थ्रू इसको ट्यून किया जाता है, और इसमें जो ऑसिलेशन स्टेडी स्टेट की है वो एलिमिनेट हो जाती है, यानी जो पावर बाकी जो है उसमें स्टेडी स्टेट में भी जो ऑसिलेशन जरा देर तक चलती रहती है, लेकिन इसमें जो है वो एक कन्वर्जेंस टाइम जल्दी होता है और ऑसिलेशन जो स्टेडी स्टेट एरर होता है उसको भी मिनिमाइज करता है, तो इससे पावर लॉस जो है वो कम हो जाता है। और इसमें क्या है कि पहले ये एक्सप्लोर करता है फिर एक्सप्लॉइट करता है, ये दो जो है वो बायो इंस्पायर्ड एल्गोरिथम्स हैं, उनमें दो चीजें जो है वो देखते हैं, एक्सप्लोरेशन होती है और एक्सप्लॉइटेशन होती है। एक्सप्लोर करने का मतलब ये है कि पहले वो देखे कि कौन कौन सी सर्च स्पेसेस मौजूद हैं, यानी कुछ रैंडम वेरिएबल सेट जो है वो एक जगह को देखेंगे, कुछ दूसरी जगह को देखेंगे, कुछ तीसरी जगह को देखेंगे, और उसके बाद जिस जगह पे वो एक्सप्लोर कर चुके हैं उसमें तमाम एरिया को एक्सप्लॉइट करना और वहां पर फाइंड करना कि हमारा मैक्सिमा मौजूद है या नहीं है, ये एक्सप्लॉइटेशन। तो इसमें पहले ही एक्सप्लोर कर लेता है और उसके बाद फिर एक्सप्लॉइट करता है, तो इससे इसको एडवांटेज मिलता है। और इसके अलावा जो इसमें ड्रिफ्ट मौजूद होती है वो ड्रिफ्ट जो है वो लोकल मैक्सिमाज जो है वो उसके ट्रैप से अवॉइड कर लेती। तो हमने इसको ब्रीफली देखा, इसको आगे अब एक्सप्लेन करेंगे, उससे पहले हम पीवी सेल मॉडल देखते हैं। पीवी सेल मॉडलिंग में जैसे हमें मालूम है कि आइडियल जो डायोड सिस्टम होता है यानी आइडियल सेल जो होता है उसमें एक डायोड होता है, उसके पैरेलल में करंट सोर्स होती है, और उसकी इक्वेशन जो है वो यहाँ पे है। यहाँ पे वैसे इसको आई फेज से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो सर्च पेपर उसमें आई पी वी लिखा था, तो वो नोटेशन फर्क हो सकती है, हम अगर आउटपुट करंट आई पी वी कह लें तो फिर यहाँ पे आई फेज होगी, लेकिन बहरहाल ये वो करंट है जो फोटोन से जनरेट होती है। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकली करें तो प्रैक्टिकली एक सीरीज रेजिस्टेंस आती है और एक पैरेलल रेजिस्टेंस आती है, और सीरीज रेजिस्टेंस जो है वो जो वोल्टेज ड्रॉप्स आ सकते हैं डिफरेंट सेल्स को कनेक्ट करने के दरमियान में उनको मॉडल कर लेती है, और जो पैरेलल रेजिस्टेंस है वो लीकेज करंट के लिए होती है। तो ये जो अगर हम पीवी सेल्स की जगह पीवी एरे ले लें, यानी मुख्तलिफ सेल्स को सीरीज एंड पैरेलल में जोड़ लें, तो यानी पहले स्ट्रिंग्स बना लें और फिर स्ट्रिंग्स को सीरीज या पैरेलल में जोड़ लें, तो वो फिर पीवी एरे बन जाती है, उसकी इक्वेशन ये है। और इसमें पार्शियल शेडिंग जैसे कि हमने देखा कुछ पैनल्स जो है वो
उन पर कोई शेड आ जाता है किसी भी वजह से, तो उनकी रेडियंस चेंज होती है, तो उस वजह से जो है वो मल्टीपल मैक्सिमा आते हैं पीवी और आईवी कर्व्स में, और उसमें से फिर कौन सा ग्लोबल मैक्सिमा है वो हमने फाइंड करना होता है। तो अगर हम ग्लोबल मैक्सिमा पे ना आए तो पावर लॉस होता है। और ये पार्शियल शेडिंग का फिनोमेना जो है वो शो किया गया, इसमें हम ब्लॉकिंग डायोड्स और बाईपास डायोड्स भी यूज कर लेते हैं, और उससे ये होता है कि बहुत ज्यादा पावर लॉस नहीं होता, मतलब अगर कोई सिस्टम आउट हो रहा है यानी उसमें रेडियंस कम है और आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा, तो उसको बाईपास कर लेते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ फिर भी पावर लॉस होता है, तो उससे फर्क जो है वो पड़ेगा अगर हम ग्लोबल मैक्सिमा फाइंड आउट ना कर पाए। फिर इसमें तीसरी चीज होती है वो बूस्ट कन्वर्टर होता है, और वो बेसिकली पीवी एरे और लोड के दरमियान इंटरफेस होती है, और ये प्रोवाइड करता है कि यानी कि ये एमपीपीटी कंट्रोलर जो है, जैसे कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में जो डायग्राम देखी थी उसमें वो एमपीपीटी कंट्रोलर जो ड्यूटी साइकिल जनरेट करेगा, वो ड्यूटी साइकिल इस बूस्ट कन्वर्टर को फीड होगा, और उसके बाद वो फिर एक वोल्टेज जनरेट करेगा, जो वोल्टेज हमें एमपीपीटी पे फोर्स करवाएगी सिस्टम को कि वो ऑपरेट करे। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आज वाली क्लास में भी हमने देखे थे, और ये बूस्ट कन्वर्टर के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद बायो इंस्पायर्ड जो एमपीपी टेक्निक्स हैं, उसमें पार्टिकल स्वार्म जो है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और उसके थ्रू फिर हम समझेंगे कि ग्रास हॉपर उसमें किस तरह चेंज लेके आता है। तो पार्टिकल स्वार्म में क्या होता है कि जिस तरह फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स होते हैं ना, वो 100 फूड के लिए जाए, तो कुछ यानी एक ग्रुप जो है वो बर्ड्स का वो एक जगह जाके सर्च करेगा, दूसरा ग्रुप दूसरी जगह सर्च करेगा, और फिर उसके बाद इस तरह वो फिर ग्लोबल जो सर्च मैक्सिमम या मिनिमम होगा उसको फाइंड करेंगे। और हर जो पार्टिकल होता है वो अपनी दूसरों के साथ भी सक्सेस को फाइंड करने की कोशिश करता है, और खुद अपने जो है वो उसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने की कोशिश करता है अपने रिजल्ट या सोल्यूशन को। तो उसमें एक जो हम ड्यूटी साइकिल को अगर ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, या जो हम वैल्यू लेना चाह रहे हैं वो हो, तो फिर हम एक होगा इसका पार्टिकल साइज, उसमें हम ये डब्ल्यू जो है ये उसके रैंडमनेस को जनरेट कर रहा है, और जो पर्सनल बेस्ट होगा वो होगा कि एक ग्रुप के अंदर कौन सा बेस्ट है, और ग्लोबल बेस्ट होगा कि तमाम ग्रुप्स में से कौन सा बेस्ट है, यानी तमाम के बेस्ट में से जो बेस्ट है वो ग्लोबल बेस्ट होगा। तो वह हर बार इसको इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे और उससे हम फाइंड करेंगे। उसके बाद जो ग्रास हॉपर ऑप्टिमाइजेशन है वो इसमें स्वार्म बेस्ड जो इंटेलिजेंट एल्गोरिथम्स हैं उसमें से एक है, और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी बेटर होते हैं। और इसमें से क्या है कि नेचुरल ग्रास हॉपर्स का बिहेवियर है ना, उसमें दो साइकिल्स होती हैं, एक को निम्फ साइकिल कहते हैं, एक को एडल्ट साइकिल कहते हैं। जो निम्फ साइकिल होती है उसमें जी अब आगे जो है ना जुहेब पड़ेगा। ग्रास हॉपर ऑप्टिमाइजेशन जैसे कि हमने स्लाइड्स चली गई, ग्रास हॉपर ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली ग्रास हॉपर ऑप्टिमाइजेशन का नाम हम इसे इसलिए देते हैं क्योंकि ये ग्रास हॉपर के मूवमेंट्स को मिमिक करता है। तो होता इस तरह है कि इसके यहाँ पे लिखा हुआ है कि द नेचुरल बिहेवियर ऑफ ग्रास हॉपर एंड इट्स लाइफ साइकिल कंसिस्ट्स ऑफ टू सब साइकिल्स। इसके बेसिकली दो सब साइकिल्स, एक निम्फ साइकिल होता है और एक एडल्ट साइकिल होता है। निम्फ साइकिल क्योंकि जो निम्फ होता है ग्रास हॉपर वो फ्लाई नहीं कर पाता, अगर हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखें तो वो द मोशन इज कंस्ट्रेंड इन साइकिल, वो उसकी मोशन कंस्ट्रेंड होती है, वो एक लिमिटेड मोशन में वर्क करता है। जबकि जो एडल्ट साइकिल के अंदर वो आता है तो वो अब्रप्टली जंप करता है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अब्रप्टली जंप करता है रैंडम इंटरवल्स में, टू अवॉइड प्रेडेटर्स एंड एक्सप्लोर मोर एरियाज। तो हम इसको इसी मूवमेंट को मिमिक करते हैं हम इस सिस्टम में कि वो रैंडमली जंप करता है एमपीपीटी पॉइंट को फाइंड। तो अगर हम आगे देखें कि द बैलेंस बिटवीन एक्सप्लोरेशन एक्सपर्टेशन एंड एक्सेलेंट सोशल इंटरेक्शन आर की फैक्टर्स, तो बेसिकली इसमें एक बैलेंस रहता है एक्सप्लोरेशन में भी कि वो किस तरह एक्सप्लोर करता है, और उसकी एक्सपर्टेशन में भी, तो एक सोशल इंटरेक्शन क्रिएट होता है इसमें। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ये अगर हम देखें the distance between two consecutive particles is balanced by a comfort zone which affects the social interaction and repulsion. तो इसमें basically एक social interaction होती है। एक अगर आप next slide पे जाएं अब्दुल्ला, next slide okay, इसके अंदर अगर आप notice करें तो एक comfort zone बनाई गई है, इसके अंदर हर different basically different particles होते हैं जो
मूवमेंट्स अब्रप्टली शो करते हैं। अगर इस कंफर्ट जोन से की तरफ अगर वो पार्टिकल आते तो उसे अट्रैक्शन कहते हैं, जबकि इससे बाहर की तरफ अगर वो मूव करे तो उसे रिपल्जन होगी। तो इससे इस कंफर्ट जोन के अंदर इससे वो हम अब्रप्टली जंपिंग के थ्रू वो चेक करता है कि इसका कौन सा एमपीपीटी पॉइंट, किस तरह हम एमपीपीटी पॉइंट फाइंड कर सकते हैं इसका। तो नेक्स्ट स्लाइड, ये इसका मैथमेटिकल मॉडल है। मैथमेटिकल मॉडल मूवमेंट ऑफ स्वाम पार्टिकल्स गिवन है, जैसे ये फॉर्मूला है जिसके अंदर स्वाम पार्टिकल की मूवमेंट को किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि एक्स आई जो है वो बेसिकली पोजीशन है ग्राफ ऑफ ऑप्टिमाइजेशन पार्टिकल की। वो किस तरह ग्राफ की उसकी पोजीशन इस पर क्या है कि वो जब अब्रप्टली जंप करता है तो उसकी करंटली पोजीशन क्या होती है। एस आई जो है ये सोशल इंटरेक्शन है कि वो सोशल इंटरेक्शन उसकी क्या है। जी आई जो ग्रेविटेशनल फैक्टर उस पर वर्क करता है, इस प्रोसेस के अंदर जो ग्रेविटेशनल फैक्टर वर्क करता है उस पार्टिकल के ऊपर उसको हम जी आई का नाम देते हैं। इस फॉर्मूला के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं कि स्वाम पार्टिकल किस तरह मूवमेंट करते हैं। फॉलोइंग जो इसके नीचे की इक्वेशन दी गई है, जो कॉन्स्टेंट्स आर मॉडिफाइड टू कंट्रोल द रैपिड कम्फर्ट जोन अटेनमेंट की, इसमें जो रैपिड कम्फर्ट जोन में जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं हम इस फॉर्मूला के थ्रू। नेक्स्ट स्लाइड, ये बेसिकली फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में इसमें हम किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं, एल्गोरिथम किस तरह जनरेट करते हैं इसका। ये इस तरह है कि इनिशियलाइज किया जाता है सबसे पहले स्वाम पॉपुलेशन को, उसके बाद फिर हम इनिशियलाइज करते हैं उसके कॉन्स्टेंट, और फिर कैलकुलेट किया जाता है कि आके पार्टिकल की फिटनेस क्या है उसका, फिर बेस्ट सोल्यूशन, और इस तरह फिर हम सारा एल्गोरिथम जनरेट करते हैं, उसे कैलकुलेट करते हैं, सी की वैल्यू को फाइंड किया जाता है, उसका डिस्टेंस जितना भी है पार्टिकल उन ग्रास ऑफ ऑप्टिमाइजेशन पार्टिकल्स में जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट किया जाता है, फिर अपडेट किया जाता है उन पार्टिकल की पोजीशंस को। इस तरह फिर हम उस पर ये इसका फ्लो चार्ट है। नेक्स्ट स्लाइड, ये सूडो कोड है। ये सूडो कोड एल्गोरिथम जनरेट करने के किस तरह हम उसका ग्रास ऑफ ऑप्टिमाइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम इनिशलाइज कराते हैं स्वाम पार्टिकल्स को, उनके लिमिट्स को, क्योंकि बेसिकली कितनी आइट्रेशन होती हैं, हम आइट्रेटिव मेथड है ये, तो आइट्रेटिव मेथड में मैक्सिमम आइट्रेशन के नंबर्स कितने हैं उनको इनिशियलाइज करवाया जाता है, फिर कैलकुलेट किया जाता है कि उस पार्टिकल की फिटनेस कितनी है, कि वो किस तरह कितना फिट है कैलकुलेट करने के लिए, फिर टारगेट किया जाता है कि बस पार्टिकल, और सारा एक लूप लगाया जाता है वाइल लूप, और इस तरह आइट्रेशन नंबर को फिट करके हम सूडो कोड जनरेट करते हैं उसके लिए जो कि यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट भी ग्रास ऑफ ऑप्टिमाइजेशन को एमपीपीटी फॉर पीवी सिस्टम। अब हम इसको पीवी सिस्टम में किस तरह करते हैं क्या इंप्लीमेंट। तो बिगिनिंग में पॉपुलेशन इज रैंडमली इनिशिएटेड बिटवीन रेंज 0-1, हियर द सर्च स्पेस रिप्रेजेंट्स द ड्यूटी साइकिल ऑफ बूस्ट कन्वर्टर। तो ये रैंडमली इनिशिएट किया जाता है, रेंज इसकी 0 से 1 होती है, तो हम इसको एक सर्च स्पेस को रिप्रेजेंट करता है ड्यूटी साइकिल बूस्ट कन्वर्टर को, जब हम लगाते हैं उसमें ड्यूटी साइकिल के थ्रू हम एक सर्च स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। The constraints are fine-tuned accordingly in the search space whose values vary between 0-1. ये इसकी values जो हैं वो vary करती हैं 0-1 के थ्रू। Thus, the number of search particles and maximum number of iterations are specified. जितने भी search particles हैं उनके number को specify किया जाता है, फिर जितनी iterations use होती हैं, कितनी बार उसमें repetitive method use होता है values find करने के लिए, number of iterations कितनी बार हमने की हैं उसको specify किया जाता है। Each particle represents a possible solution. And the best value of duty cycle found so far taken as output of MPPT controller. मतलब each particle के represent किया जाता है possible solution क्या है कि किस तरह, क्योंकि best value duty cycle की किस तरह find की जाएगी। ये आगे हम graph में भी देखेंगे कि वो jump करता है और उस process में फिर वो maximum power point को find करने power point को find करता है, ताकि हम find कर सकें कि best value क्या है duty cycle की। The position of GHO particle represents the duty cycle and the value duty cycle is updated according to the equation. और ये equation है, इससे हम position find कर सकते हैं GHO particle की जो represent करता है duty cycle को। Next slide. अब ये आगे slide continue है। In GHO there is no requirement to scan the region which has already been explored by any other particle. This reduces the computational time. इसका advantage, one of the advantages ये हैं कि ये reduce कर देता है computational time.
टाइम रिड्यूस करता है, जिससे कम टाइम में हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक दफ़ा जो रीजन स्कैन कर लेता है उसके बाद दोबारा से उसको एक्सप्लोर नहीं करता, अलग दूसरे पार्टिकल, एक एक दफ़ा पार्टिकल जो स्कैन कर लेता है रीजन को, उसके बाद दूसरे पार्टिकल दोबारा उसको एक्सप्लोर नहीं करता, जिसकी वजह से जो हमारा कंप्यूटेशनल टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे इक्वेशंस गिवन है कि मैक्सिमम पावर और हम फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम इक्वेशंस गिवन है। नेक्स्ट स्लाइड, ये ग्राफ के अंदर अगर हम देखें तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि किस तरह ट्रैक करता है वो, मतलब किस तरह एमपीपीटी फाइंड करता है जीएचओ का मैकेनिज्म। तो सर यहाँ से मैं ट्रैक दोबारा कर लेता हूँ। जैसे वो जोहेब ने बताया कि जो ग्रास हॉपर ऑप्टिमाइजेशन होती है, तो इसमें बेसिकली वो एक तो उसकी होती है जो कंफर्ट जोन होता है वो एक अहम चीज होती है, यानी जो स्टेडी स्टेट हमने कहा था ना, स्टेडी स्टेट एरर खत्म हो जाता है। तो उसमें यही बात है कि जो एंड पे कंफर्ट जोन हम रीच कर लेते हैं ना, तो उसके बाद ये होता है कि उस कंफर्ट जोन में अगर वो मौजूद है तो उसके बाद फिर वो दोबारा सर्चिंग नहीं करेगा। तो अनडिजायर्ड ऑसिलेशंस एट द एंड ऑफ द पॉइंट जब ग्लोबल मैक्सिमा रीच हो चुका है वो नहीं होती, और जो है वो स्टेडी स्टेट एरर से कम हो जाता है, और बल्कि रिजल्ट्स में एक स्टेडी स्टेट बिल्कुल खत्म हो जाता है जब वो अचीव कर लेता है। और दूसरा ये कि ये इसमें सारे पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं, और सारे पार्टिकल मूव करने से ये होता है कि इसके जो कन्वर्जेंस टाइम है वो इंक्रीज कर जाता है, जबकि बाकी जो पीएस वो सिंपल है, उसमें एज अ ग्रुप मूव हो रहा होता है और हर हर पार्टिकल की मोशन जो है वो नहीं होती, और आपस में डिस्टेंस जो है वो भी उसमें कंसिडर नहीं किया जाता। इसमें होता है कि हर पार्टिकल का आपस में दूसरे पार्टिकल से डिस्टेंस भी कंसिडर किया जाता है, तो इस वजह से अगर इसको देखें तो फिर एक कॉम्प्लेक्स पार्सर शेडिंग में भी ये चीज फायदा देती है, और इसके अलावा इसका कन्वर्जेंस टाइम भी इंक्रीज करता है। और तीसरी बात जो ये पिछली स्लाइड में थी, यानी कि एक रीजन एक बार अगर स्कैन हो गया तो उसको दोबारा फिर स्कैन नहीं किया जाता, तो इस वजह से भी कंप्यूटेशन टाइम जो है इसका इंक्रीज करता है। यानी यहाँ पे वो जो मैक्सिमम पावर और जो मैक्सिमम पॉइंट पहले निकाल लेगा और मिनिमम पॉइंट, और उसके बाद ये चेक कर लेगा अगर ये रीजन पहले स्कैन हो चुका है तो फिर वो सिर्फ आगे शिफ्ट कर देगा उसी पॉइंट को लेके, और उसके बाद उसको दोबारा स्कैन नहीं करेगा। तो ट्रैकिंग मैकेनिज्म यहाँ ग्राफ में शो किया गया, और ये पावर फ्लक्चुएशन है कि पहले जो है वो जो फर्स्ट आइट्रेशन होगी उसमें अगर P2 पॉइंट जो है वो यहाँ पे एज मैक्सिमम पॉइंट ट्रैक होता है तो वो P2 को आउटपुट पर देगा, उसकी जो ड्यूटी साइकिल होगी यानी 0 से 1 के दरमियान सब इनिशियलाइज हुए हैं चारों पार्टिकल्स, उसमें से जो P2 की वैल्यू होगी वो ड्यूटी साइकिल पे दी जाएगी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ज होगा, और कन्वर्ज होने के बाद एंड पे जो ग्लोबल मैक्सिमा आएगा उस पॉइंट पे जो पार्टिकल की वैल्यू होगी, जो ड्यूटी साइकिल की वैल्यू होगी वो आउटपुट पे दे दी जाएगी। ये इसी फिनोमिना को जो है वो पीवी कर्व के थ्रू एक्सप्लेन किया गया कि कैसे जो है वो सॉल्यूशन कन्वर्ज हो रहा है। उसके बाद इसका एक मेन एडवांटेज ये है कि जो बाकी बायो इंस्पायर्ड टेक्निक्स हैं वो कॉम्प्लेक्स पार्शियल शेडिंग जो है उसमें इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स पार्शियल शेडिंग में भी बेहतर, काफी बेहतर रिजल्ट्स देता है। और ये होती क्या है पार्शियल शेडिंग में, सिंपल ये कि हमें एक से ज्यादा पीक्स मिल जाए, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स पार्शियल शेडिंग की होती है कि वो पीक्स काफी पास पास होती हैं, इस वजह से कुछ क्लस्टर्स बन जाते हैं। यानी यहाँ पे क्लस्टर 1 शो किया है, और ये वाला जो क्लस्टर, ये क्लस्टर 2 शो किया है, दोनों की इनमें पीक्स जो है वो काफी पास पास हैं, और इन हर क्लस्टर की अपनी जो है वो लोकल मैक्सिमा भी है, और उसके बाद उस क्लस्टर का जो है वो एक मैक्सिमा है जो CHM है, क्लस्टर हेड मैक्सिमा। इसी तरह दूसरे क्लस्टर का भी क्लस्टर हेड मैक्सिमा है, और दोनों के जो मैक्सिमा है वो उनमें भी बहुत कम डिफरेंस है, और उसके बाद उनमें से एक जो है वो ग्लोबल मैक्सिमा। तो इस सिचुएशन में भी चूंकि ये जो है वो एक तो जो सीजन पहले स्कैन हो गया उसको दोबारा स्कैन नहीं करता, और इसमें जो है वो पार्टिकल्स का डिस्टेंस रखा जाता है भी कंसिडर किया जाता है आपस में, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स पार्शियल शेडिंग में भी बेटर रिजल्ट देता है। इसी तरह अगर ये सिचुएशन है जिसमें मजीद कॉम्प्लेक्स ज्यादा हो गया पार्शियल शेडिंग, इसमें बहुत ज्यादा पीक्स हैं और काफी पास हैं, इसमें भी इसके रिजल्ट जो है वो बाकियों से अगर कंपेयर करें जो रिजल्ट हम एंड पे देखेंगे तो उसमें भी इसने रिजल्ट बाकी बायो इंस्पायर्ड टेक्निक्स की नस्बत बेटर थी। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि सिर्फ सिंगल पैरामीटर होता है जो एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन दोनों को कंट्रोल कर, यानी सी जो है वो हम स्टार्ट में इनिशियलाइज करेंगे और वो फिर आइट्रेशंस होंगी उसके, और आइट्रेटिवली जो है वो फिर उसको हम डिक्रीज करते जाएंगे, और उसके बाद इसी पैरामीटर के थ्रू एक्सप्लोरेशन भी हो जाएगी और एक्सप्लॉयटेशन भी हो जाएगी।
और ग्लोबल मैक्सिमा फिर 100% एफिशिएंसी के थ्रू ट्रैक हो जाता है और आइट्रेशन जो है वो कम लगती है, कन्वर्जन रेट जैसे हमने पहले देखा वो उसका फास्ट होता है और सेटलिंग टाइम भी मिनिमम होता है ड्रिफ्ट की वजह से, यानी जब आपस में पार्टिकल्स का डिस्टेंस कंसिडर किया जाता है तो फिर इसमें ड्रिफ्ट फिनोमेना होता है जो हमने पीछे इक्वेशन देखी थी ये वाली, तो इसमें ए जो है ये अफेक्शन ऑफ विंड यानी ये ड्रिफ्ट को भी हम कंसिडर करते हैं इसमें, तो जब ड्रिफ्ट कंसिडर करते हैं तो फिर इसकी जो है वो कन्वर्जेंस टाइम बढ़ जाता है। इसके अलावा कंफर्ट जोन की बात जैसे हमने की तो वो मोशनलेस हो जाते हैं और ऑसिलेशंस एट द एंड ऑफ आइटरेटिव साइकल्स आर जीरो, यानी एक बार अचीव हो गया फिर वो कंफर्ट जोन में ऑसिलेशंस उसकी खत्म हो जाती, तो ये और प्रॉपर्टी जो है वो पीएसओ और कुकू सर्च में जो है वो अवेलेबल नहीं होती, तो वहां अनडिजायर्ड ऑसिलेशन की वजह से पावर लॉस होता है और इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स पार्टिकल शेडिंग जैसे हमने देखा उसमें भी इसके बेटर रिजल्ट होते हैं। तो 99% तक इसकी एफिशिएंसी और स्टैटिस्टिकल ऑसिलेशंस जो है वो जीरो हो जाती है ग्लोबल मैक्सिमा पावर पॉइंट। अब रिजल्ट्स हैं जो पेपर में डिस्कस किए गए थे, तो पेपर में 5 केसेस जो है उनको डिस्कस किया गया था और उसमें से पहला जो है वो सिंपल फास्ट वेरिंग रेडियंस का था और बाकी 2 फिर पार्शियल शेडिंग के थे और 2 कॉम्प्लेक्स पार्शियल शेडिंग के थे। तो ये उनके डेटा थे कि उन्होंने मुख्तलिफ रेडियंसिस पे और फिर पार्शियल शेडिंग में वेरी किया और रिजल्ट्स जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स के उनको प्लॉट करके आपस में, तो उनकी ड्यूटी साइकिल, उनकी वोल्टेज, उनकी करंट, उनकी पावर को कंपेयर किया कि कौन जो है वो कितनी एफिशिएंसी दे रहा है। तो पहला केस था फास्ट वेरिंग रेडियंस, तो फास्ट वेरिंग रेडियंस में जैसे हमने देखा कि मुख्तलिफ रेडियंस जो है वो उसको दे के तो उसमें फिर हमने रिजल्ट चेक किए। तो ड्यूटी साइकिल का कंपेरिजन करें तो जो रेड वाला है वो GHO है और रेड वाला जो है वो बाकी सबकी निस्बत बहुत जल्दी कन्वर्ज कर रहा है, इसका कन्वर्जन टाइम भी कम है और इसकी जो जो यानी डिजायर्ड पॉइंट है उससे जो ऑसिलेशंस हैं वो भी निस्बतन बाकियों से कम है। इसी तरह अगर इसकी हम पावर कंपैरिजन देखें कि कितनी मैक्सिमम पावर तक कितनी जल्दी कर रहा है तो बाकियों के निस्बत इसमें भी ऑसिलेशंस कम है और अगर इसको हम जूम करके देखें तो यहाँ पे इसका जो मैक्सिमम पावर पॉइंट रेड वाले ने जल्दी अचीव किया। इसी तरह अगर पार्शियल शेडिंग के रिजल्ट्स में देखें तो वहां पे भी यही है कि ड्यूटी साइकिल की जो ऑसिलेशंस हैं वो रेड में कम है और अगर हम इसको ABC से मतलब कि आर्टिफिशियल बी कॉलोनी से कंपेयर करें वहाँ काफ़ी ज़्यादा ऑसिलेशन है और PSO में भी ज़्यादा है और इसमें जो है वो निस्बतन कम है और उसके बाद ड्रैगन फ्लाई है जो इससे बेटर है। तो ये इसके पावर सेकंड केस में जो है वो पावर कंजम्पशन का ग्राफ है, इसमें भी GHO जो है वो बेटर रिजल्ट दे रहे हैं। इसी तरह पार्शल शेडिंग का सेकेंड केस लिया, उसमें ज़्यादा पैनल्स जो है उनको पार्शल शेड कंसिडर किया गया तो वहां पे भी इसके रिजल्ट्स जो है वो बेटर हैं, पावर को कंपेयर करें तो वहां पे भी यही रिजल्ट्स हमें नजर आते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स पार्शियल शेडिंग के जो 2 हमने स्टार्ट में पिक्चर्स देखी थी तो पहले में ये था कि पीक्स पार्क्स थी और 2 क्लस्टर्स थे और दूसरे में उसको मजीद ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया यानी बिल्कुल ही जो मैक्सिमाज हैं वो काफी क्लोज कर दिए गए, तो बाकी जो होते हैं एल्गोरिदम्स उनमें वो फिर अगर कॉम्प्लेक्स पार्शियल शेडिंग हो तो जो CHM होगा और ग्लोबल मैक्सिमा होगा, यानी 2 CHM होंगे उनका आपस में 1 ग्लोबल मैक्सिमा है तो वो फिर उनमें जो है वो स्टैक कर जाता है और उसके बाद फिर उनके दरमियान उसकी स्विचिंग जो है वो नहीं हो पाती, लेकिन इस जो GHO है वो उनके दरमियान भी सर्च करके तो ग्लोबल मैक्सिमा को ट्रैक कर लेता है। ये इसके पावर के रिजल्ट हैं और ये सेकेंड जो हमने ड्राॅइंग देखी थी उसमें ये रिजल्ट हैं और एंड पे फिर उसने कंपेयर किया एवरेज पावर के लिहाज से और वहाँ पे भी GHO जो है उसने यानी सबसे ज़्यादा पावर दी है, इसका मतलब उसने सबसे बेटर जो है वो ग्लोबल मैक्सिमा को ट्रैक किया और इसी तरह एफिशिएंसी के हवाले से भी जो है वो इसके रिजल्ट जो हैं वो बाकी सबसे बेहतर है, 99.84 है और DFO की एफिशिएंसी के बारे में जो है वो एवरेज एफिशिएंसी देखें तो DFO की इससे थोड़ी सी ज़्यादा। ये फिर उसके टेबुलर फॉर्म है जिसके बेस पे ये पिछले रिजल्ट्स बनाए गए हैं, तो वो टेबुलर फॉर्म में भी जो एफिशिएंसीज हैं वो यहाँ हम देखने के जो GHO है वो तकरीबन सब सारे केसेस में, एक तो ये कि सारे केसेस में दे रहा है बल्कि अगर हम P&O को देखें तो P&O जो अगर आप कॉम्प्लेक्स पार्शियल शेडिंग या सिंपल पार्शियल शेडिंग भी कर लें तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी डिक्रीज कर जाती है, लेकिन जो बाकी बायोस इंस्पायर्ड है उनमें जो है वो एफिशिएंसी सबकी ज़्यादा है पार्शियल शेडिंग वगैरह में भी यानी जो नॉन बायो इंस्पायर्ड है उनसे, और लेकिन उसमें भी जो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स हैं वो GHO के हैं और उसके बाद DFO के हैं।